हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर इसके ऑनलाइन वीडियो में। तो मतलब लास्ट टाइम हमने द्विध्रुव हम पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक डायपोल हमने पढ़ा था और द्विध्रुव के कारण अक्ष पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था। और उसका मान बिल्कुल आपको याद है कि अक्ष पर जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता था द्विध्रुव के कारण वो कितना होता था, 2 kp/r³। ये हमने पढ़ा था 2 kp/r³। और यहाँ E की जो दिशा होती थी वो P के अनुदिश होती थी, यानी जो विद्युत क्षेत्र होता है द्विध्रुव की अक्ष पर वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होता है। P क्या था बच्चों? द्विध्रुव आघूर्ण था। P बराबर क्या होता है? q(2a)। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे द्विध्रुव के निरक्ष पर। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन ये। तो हम स्टार्ट करेंगे आज नेक्स्ट टॉपिक, द्विध्रुव की निरक्ष रेखा। निरक्ष रेखा, ठीक है बच्चों। बेटा निरक्ष रेखा को हम विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विषुवत रेखा, या ऐसे द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति भी बोल सकते हैं। अनुप्रस्थ स्थिति, चाहे निरक्ष रेखा बोल दो या अनुप्रस्थ वाले स्थिति से आ जाए या विषुवत रेखा आ जाए, तो हमें यही करना है। तो द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये भी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्ष और निरक्ष पर। तो क्वेश्चन कह रहे हैं द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर, यानी विषुवत रेखा या अनुप्रस्थ स्थिति पर हमें कोई बिंदु मिलेगा और वहां हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की हमें गणना करनी है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था निरक्ष का मतलब क्या होता है। निरक्ष का मतलब क्या होता है? निरक्ष क्या होता है? निरक्ष का मतलब कि अक्ष के तो लंबवत हो, अक्ष के तो कैसा हो? लंबवत हो और मध्य बिंदु से गुजरे। अक्ष के तो लंबवत हो और मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा, यानी ये डाइपोल हमारे पास है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, तो बच्चों ये मध्य बिंदु हो गया। तो ये जो रेखा है अक्ष के लंबवत और मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा को हम निरक्ष कहते हैं। तो हम यही करेंगे, इस निरक्ष पर कोई भी पॉइंट मानेंगे, चौपड़ मान लो चाहे नीचे मान लो, इस निरक्ष पर कोई पॉइंट मानेंगे और इस द्विध्रुव के कारण वहां क्या निकालेंगे बच्चों? विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो देखिए समझे इसको, तो जैसे मान लो मेरे पास ये कोई डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ए बी, कोई हमारे पास क्या है बच्चों? विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, और ये इसका मध्य बिंदु है, इसको बोल दिया ओ, और आपको पता है हम द्विध्रुव की लंबाई क्या मानते हैं? 2a, कि मेरे पास 2a लंबाई का कोई द्विध्रुव ए बी है, ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, टोटल दूरी कितनी है? 2a। अब जहां हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है उसकी मध्य बिंदु से हम दूरी क्या मानते हैं? स्मॉल r। क्वेश्चन में ध्यान रखें जो हमने r लिया है वो मध्य बिंदु से है, तो ये इसका हो गया बच्चों निरक्ष। ये क्या हो गया? इसका निरक्ष हो गया। तो बच्चों ये मेरे पास है मान लो पॉइंट P, ये वाला पॉइंट P, तो O से r दूरी पर P कोई बिंदु है निरक्ष रेखा पर और जहां हमें विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है? गणना करनी है।
तो बच्चों बिल्कुल आपको पता है कैसे करते हैं, इस पॉइंट पर इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा, इस पॉइंट पर इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा। निकाय में जितने आवेश होते हैं उन सभी के कारण कुछ ना कुछ क्या होता है, क्षेत्र होता है। तो हमें इसके कारण भी क्षेत्र निकालना पड़ेगा और इसके कारण भी क्षेत्र हमें निकालना पड़ेगा, और दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, सदिश योग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें इसको, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर। तो बच्चों इसको मैंने ऐसे माना, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण मैंने क्षेत्र मान लिया भाई E1, माइनस क्यू के कारण मैंने बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या मान लिया, E1 मान लिया। बच्चों क्या मान लिया, E1 वेक्टर। इधर दिशा क्यों ली मैंने, क्योंकि माइनस की ओर, तो मैंने माना है कि माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, E1 है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, PA दिशा में है। इसमें बच्चों PA दिशा में, अब इसके कारण भी क्षेत्र होगा, क्योंकि तो यहां पर द्विध्रुव में दो आवेश हमारे पास है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू के कारण भी क्या होगा, क्षेत्र होगा। तो प्लस से दूर, प्लस से दूर, तो बच्चों ये प्लस से दूर हो गया, प्लस से दूर, इसको मैंने बच्चों क्या मान लिया, E2 वेक्टर। क्या मान लिया इसको हमने, E2 वेक्टर। ठीक है, माइनस की ओर E1 और प्लस से दूर यानी प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र हमारे पास है उसको बच्चों मैं बोल रहा हूं E2, और ये कौन सी डायरेक्शन है आज, BP दिशा में, बी से पी की ओर, प्लस से दूर। विद्युत क्षेत्र कहां से कहां होता है, प्लस से दूर माइनस की ओर, तो कहने का मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में आ गया, बीपी दिशा में। ठीक है बच्चों, अब यहां हम ध्यान दें, अक्ष वाले में तो क्या था, दोनों संरेखीय थे, तो हमने ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दिया था। अगर आप देखा हो पिछला वीडियो तो बिल्कुल आपको समझ में आ गई ये वाली बात। अब यहां पर आप देख रहे हो संरेखीय नहीं है, कुछ कोण पर है। अगर सपोज करो ये थीटा मैं मान रहा हूं, ये एंगल दोनों क्या है, थीटा, क्योंकि मध्य बिंदु पर है, ये एंगल क्या होंगे, समान होंगे। तो बच्चों हम E1 E2 के कारण परिणामी क्षेत्र निकालने के लिए इसे इसके घटकों में विभक्त करेंगे, द्विध्रुव के समांतर और लंबवत घटकों में क्या करेंगे, विभक्त करेंगे। तो देखें अगर मैं E1 की बात करता हूं तो E1 को मैंने इस तरह बांटा, E1 के मैं कंपोनेंट बना रहा हूं, E1 के घटक बना रहा हूं, तो बच्चों ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। इतना आप जानते हो, सभी छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, एकांतर कोण और एक ही रेखा पर बनने वाले कोण, ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो बच्चों E1 का इस दिशा में घटक, इसको अगर मैं नाम दे दूं क्यू दिशा, तो E1 का PQ दिशा में जो घटक है वो क्या होगा, E1 का PQ दिशा में जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा बच्चों, E1 cos थीटा। क्या होगा, E1 cos थीटा। ठीक है, और E1 का लंबवत दिशा में घटक क्या हो जाएगा, ये दूरी R है, लंबवत दिशा में घटक क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा, E1 के साथ ही है sin थीटा। ऐसे बच्चों E2 की बात करें तो E2 का क्षैतिज दिशा में घटक क्या हो गया, ये होगा, क्या होगा, E2 cos थीटा, और E2 का लंबवत दिशा में घटक क्या होगा, E2 का लंबवत दिशा में घटक हो जाएगा बच्चों E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। तो इस तरह हमने E1 और E2 को द्विध्रुव के समांतर और लंबवत घटों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। ठीक है बच्चों, तो चलो हम E1 और E2 का पहले मान निकाल लेते हैं। E1 है माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र और E2 है प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र।
ये दूरी ए है, ये आर है, तो बच्चों ये बताओ ये दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये दूरी भी कितनी हो गई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कॉन स्क्वायर इज इक्वल टू आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्योंकि हमें दूरी की जरूरत पड़ेगी। अब देखो माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, दूरी कितनी है ए पी, तो क्या लिखेंगे, ई वन इज इक्वल टू माइनस क्यू की बात कर रहे हैं तो माइनस के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ई वन का मतलब हो गया माइनस के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी कितनी है ए पी, तो फॉर्मूला क्या होता है कि सब बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर यहां हमें क्षेत्र निकालना है, तो यहां पर कितना क्षेत्र होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या है पीए दिशा में, ये हमने इसको लिखा रखा है पीए दिशा में, तो बच्चों इसका मान रखें माइनस के क्यू और एपी स्क्वायर, एपी का मान है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एपी स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों मैं इसका परिमाण ले लूं, ई वन का परिमाण, तो इसका परिमाण लेंगे तो नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र हमने निकाला, उसका परिमाण हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई पीए दिशा में। ठीक है बच्चों, अब देखें अगर मैं प्लस क्यू की बात करूं कि सर प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र है ई टू, तो बताओ ई टू क्या होगा, आप कहोगे सर के क्यू पॉजिटिव है और दूरी कितनी है P से P, यानी BP स्क्वायर, दूरी कितनी है बच्चों BP स्क्वायर, तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ BP, तो इसका मान रखोगे आप तो क्या मिलेगा E2 इज इक्वल टू KQ अपॉन BP स्क्वायर, तो BP स्क्वायर का मतलब R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि रूट है हर जगह स्क्वायर करेंगे, और इसका परिमाण भी यही हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है बच्चों, तो E2 बराबर क्या आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो समीकरण नंबर एक, जो ई वन की वैल्यू है वो हमारे पास है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जो ई टू हमारे पास है विच इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बिल्कुल आपको पता लग रहा है कि ई वन ई टू का परिमाण तो बराबर है, जितना E1 है उतना E2 है, परिमाण बराबर है, दिशा अलग अलग है, E1 PA दिशा में है और E2 बच्चों कौन सी दिशा में है BP दिशा में है, परिमाण बराबर है दिशा अलग अलग है, तो क्या लिख सकते हैं समीकरण एक व दो से, क्या लिख सकते हो कि सर E1 का जो परिमाण है यानी माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो E2 के परिमाण के बच्चों क्या है बराबर है, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के बराबर है, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, तो अब इसके घटकों पे बात आ जाए, अब आप देख रहे हैं E1 E2 को हमने इनके क्षैतिज और लंबवत घटकों में विभाजित कर दिया, वियोजित कर दिया, तो एक घटक तो है E1 cos थीटा E1 sin थीटा, ऐसे ही E2 का E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। अब आप देख रहे हो बच्चों कि E1 और E2 तो बराबर है और sin थीटा आ ही रहा है, यानी E1 sin थीटा बराबर किसके हैं E2 sin थीटा के, कहने का मतलब जो E1 बराबर E2 है तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि सर E1 sin थीटा भी किसके बराबर हो जाएगा E2 sin थीटा के, इक्वेशन नंबर फोर। इसका मतलब यह हुआ कि जितना विद्युत क्षेत्र नीचे है E1 sin थीटा उतना ही विद्युत क्षेत्र ऊपर है E2 sin थीटा, दोनों का परिमाण बराबर है और दिशा क्या है विपरीत, यानी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, जितना विद्युत क्षेत्र नीचे है उतना विद्युत क्षेत्र ऊपर, यानी कोई विद्युत क्षेत्र इन घटकों के कारण नहीं होगा, कहने का मतलब क्या हुआ कि E1 और E2 के
जो लंबवत घटक है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों परिमाण में समान है और दिशा इनके विपरीत है, इसलिए इनके कारण कोई क्षेत्र नहीं होगा या इनका क्षेत्र में कोई योगदान नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्षैतिज घटकों पे चलें, क्या वो भी विपरीत दिशा में है क्या? लेट्स सी। आप देख रहे हो कि E1 का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा PQ दिशा में, ऐसे E2 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा ये भी PQ दिशा में, तो दोनों का परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है, परिमाण भी समान है दिशा भी समान है, इसलिए जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन में होगा PQ दिशा में, और कितना हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र एक दिशा में लग रहे हैं, दो सदिश समान दिशा में है, तो परिणाम में जुड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो E1 sin theta बराबर E2 sin theta है, इसका मतलब क्या हुआ? कैंसल ईच अदर। ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? नष्ट। देखो आते हैं, अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र की बात करें E net, तो कितना हो जाएगा? E1 cos theta प्लस E2 cos theta। ठीक है बच्चों, E1 cos theta प्लस E2 cos theta। तो बच्चों E net is equal to, आप देख रहे हैं बच्चों E1 E2 के बराबर है, तो E1 cos theta प्लस E1 cos theta दोनों बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2E1 cos theta। क्या लिख दिया बच्चों? 2E1 cos theta। बस हमारा डेरिवेशन हो चुका है, E1 का मान रख दो और cos theta का मान रख दो, तो मान रखते हैं बच्चों E net is equal to 2। तो बोलो बच्चा E1 का मान कितना? E1 A2 का मान KQ upon R2 plus A2। E1 का मान है KQ upon R2 plus A2। ठीक है बच्चों, और cos theta, cos लाल बटा कक्का, cos का मतलब क्या होगा? आधार बटा कर्ण, ये थीटा, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो देखो मैं यहां थोड़ा समझाने के लिए बना दूं आपको, ऐसे दिया हुआ है हमारे पास ये, अब समझे ये एंगल कितना बच्चों? थीटा, ये दूरी a, ये r, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये है R2 + A2। तो जब cos थीटा निकालोगे तो आधार बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा? A/√R2 + A2। तो ये हम चित्र से cos थीटा को निकाल सकते हैं, आधार बटा कर्ण, तो क्या रखें cos थीटा की वैल्यू हम? सर A/√R2 + A2। ठीक है बच्चों, एक इसका मान आ गया cos थीटा का। अब आप देख रहे हैं E net is equal to, ऊपर तो क्या बन गया? Q into 2 है, यानी K को मैं बाहर ले लूं, अंदर ऐसे हो गया Q into 2A, क्यों? 2A, और नीचे क्या हो जाएगा? R2 + A2 की पावर कितनी? 1 + 1/2, यानी 3/2। ठीक है बच्चों, E net की वैल्यू हमारे पास आ गई K Q into 2A और R2 + A2 की पावर 3/2। अब वही कल वाला तरीका देखें, Q into 2A का मतलब E net, Q into 2A का मतलब बच्चों P, P का मतलब क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण, तो KP/R2 + A2 की पावर 3/2, R2 + A2 की पावर 3/2, और इसको बच्चों इक्वेशन नंबर मैंने क्या मान लिया? 5। ठीक है, अब वही बात कि R का मान तो बहुत ज्यादा है और A का मान बहुत कम है, तो अगर R2 में A2 को जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि R2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A2, तो अपन समीकरण नंबर 5 के हर में किसको छोड़ सकते हैं? A2 को छोड़ सकते हैं, इसलिए समीकरण 5 से
समीकरण पांच से, तो क्या मिलेगा हमें ई निरक्ष, ई निरक्ष केपी अपॉन ए स्क्वायर को छोड़ दो तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, यानी क्या बचेगा आर क्यूब। तो बच्चों ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया केपी अपॉन आर क्यूब। ई निरक्ष का मान केपी अपॉन आर क्यूब, यानी द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर जो कुल विद्युत क्षेत्र है, जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसका मान हमने निकाल लिया है। तो उसका मान कितना आ गया केपी अपॉन आर क्यूब। अब बात करें दिशा की, सदिश रूप लिखें, क्या लिखे बच्चों सदिश रूप में। तो अब देख रहे हैं पी और ई की बात करेंगे, तो हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो अब पी क्यू दिशा में है, इस डायरेक्शन में है, और द्विध्रुव आघूर्ण ए बी दिशा में होगा। भाई जो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण है वो तो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, डायपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस की ओर इस दिशा में है, ए बी दिशा में, और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में हो गया, तो बच्चों विपरीत दिशा हो गई। तो सदिश रूप में हम क्या लिख सकते हैं कि सर ई निरक्ष, ई इक्वेटोरियल लाइन, ई निरक्ष इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। समझ गए? तो माइनस का मतलब यहां पर क्या है कि जो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र है वो द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बिल्कुल टॉपिक हो चुका है कि द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होती है केपी अपॉन आर क्यूब। बिल्कुल ये भी दूरी के साथ साथ, दूरी अगर बढ़ाओगे तो ई का मान क्या होता है बच्चों घटता है। ठीक है, दोनों ही घटते हैं, आपने देखा था। देखो चूंकि ई अक्ष बराबर कितना होता है 2kp अपॉन आर क्यूब, ई अक्ष का मान कितना होता है 2kp अपॉन आर क्यूब। तो अगर kp अपॉन आर क्यूब को अपन ई निरक्ष लिख दें तो ई अक्ष का मान क्या हो जाएगा 2e निरक्ष। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीधे कि सिद्ध करो कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का दुगना होता है, या निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है वो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का आधा होता है। तो ई अक्ष बराबर आ गया 2 into ई निरक्ष, यानी अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र क्या हो गया बच्चों दुगना हो गया। तो न्यूमेरिकल्स में आप ध्यान रखें, अगर आपको अक्ष या निरक्ष में से किसी एक पर विद्युत क्षेत्र दे दे तो दूसरा आप निकाल सकते हो। अक्ष पर दे दे तो आप निरक्ष में निकालिए आधा कर देना, निरक्ष पर दे दे अक्ष में निकालिए क्या कर दोगे दुगना कर दोगे। तो ई अक्ष बराबर क्या हो गया बच्चों 2e निरक्ष। ठीक है, दोनों ही आर क्यूब के समानुपाती है, चाहे निरक्ष वाला हो ये भी समानुपाती 1/r³, चाहे अक्ष वाला हो ये भी क्या बच्चों समानुपाती 1/r³। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, ये द्विध्रुव हमारे पास है माइनस क्यू प्लस क्यू, टू ए लंबाई का है, आर दूरी से हम ले रहे हैं, मध्य बिंदु से दूरी ली आर, तो यहां निरक्ष पर कोई बिंदु पी है। अब क्वेश्चन क्या है, इसके कारण भी क्षेत्र होगा, इसके कारण भी क्षेत्र होगा, तो माइनस क्यू के कारण क्षेत्र माइनस क्यू और ई वन, प्लस क्यू के कारण क्षेत्र प्लस से दूर ई टू। ठीक है, तो हमने E1 E2 का परिणामी निकालने के लिए इन्हें किसमें बांटा, घटकों में बांटा। तो हमने देखा कि E1 sin थीटा E2 sin थीटा कैंसिल कर देता है, तो दोनों मान क्या होते थे समान, जबकि जो क्षैतिज घटक है वो समान दिशा में है, समान उनका परिमाण है, तो क्या होगा वो आपस में जुड़ जाएंगे, यानी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा into E1 cos थीटा, मान रखा सॉल्व किया तो मान कितना आ गया केपी अपॉन आर क्यूब। तो इसको आप फॉर्मूला ध्यान भी रखें, अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है द्विध्रुव के कारण कितना होता है 2kp अपॉन आर क्यूब, पी द्विध्रुव आघूर्ण है और आर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी है, इसको ध्यान रखें आर कौन सा है, न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना पड़ेगा।
और निरक्ष पर आता है के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट तो अब आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर आपका कंप्लीटेड। ठीक है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा आज। देखो बच्चों, समान विद्युत क्षेत्र में या समरूप विद्युत क्षेत्र में समान विद्युत क्षेत्र या समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल तथा बल एवं बलाघूर्ण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल एवं बलाघूर्ण। बच्चों समरूप का मतलब क्या होता है? समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि हर पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट, विद्युत क्षेत्र का मान क्या है? समान है, समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो ध्यान रखें, जो समरूप विद्युत क्षेत्र होता है, समरूप विद्युत क्षेत्र, उसको अपन कैसे दर्शाते हैं? समांतर व परस्पर समान दूरी पर विद्युत बल रेखाओं के द्वारा। ठीक है, अगर विद्युत बल रेखा इस प्रकार से है, यानी सभी समांतर हैं और समान दूरी है इनके बीच की, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने एक बार लिख दिया बस E। तो यानी हर पॉइंट पर, यहां भी E है, यहां भी E है, यहां भी E है, ईच एंड एवरी पॉइंट, हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? एक समान। तो आप ध्यान रखें कि हम समरूप विद्युत क्षेत्र को कैसे दर्शाते हैं? परस्पर समान दूरी पर स्थित, परस्पर समान दूरी पर स्थित समांतर विद्युत बल रेखाओं के द्वारा। ठीक है बच्चों, समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि उस स्पेस में विद्युत क्षेत्र का मान हर बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर समान है। तो देखें, समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल एवं बलाघूर्ण। आपको यह भी पता है बच्चों कि जो बल होता है, बल के कारण कौन सी गति होती है? रेखीय गति, आगे पीछे होना, रेखीय गति होना। और बच्चों जो बलाघूर्ण होता है, बलाघूर्ण, बलाघूर्ण को अपन किससे शो करते हैं? टॉर्क, टाउ। बलाघूर्ण के कारण कौन सी गति होती है? घूर्णन गति। बलाघूर्ण के कारण कौन सी गति होती है? घूर्णन गति। तो आप ये सब जानते हैं छोटी मोटी बातें, अब इस टॉपिक को आप पढ़े समझे। तो बच्चों मैंने माना कि मेरे पास ये कोई डाइपोल है। ठीक है, डाइपोल का मतलब एक पॉइंट पे, यहां बना दो मैं थोड़ा सा, एक पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है और दूसरे पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब ये हमारा जो डाइपोल है, जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो मैंने ऐसे बना दिया, इस तरह एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है E। तो एक ऐसा विद्युत क्षेत्र है समरूप, समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने माना कि हमारा जो द्विध्रुव है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। कितने कोण पर स्थित है बच्चों? थीटा कोण पर स्थित है, ठीक है। समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है, तो हमें निकालना है कि भाई इस पर बल और बलाघूर्ण का मान बताइए। तो बच्चों आप देख रहे हो विद्युत क्षेत्र में ये वाला प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो इस पर वैद्युत बल लगेगा। हमें पता है कि धनावेश में जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। कहने का मतलब क्या हुआ? कितना फोर्स लगेगा? प्लस क्यू ई, प्लस क्यू ई। धनावेश में जो बल लगता है, जो वैद्युत बल लगता है, इसको मैंने सपोज करो F1 मान लिया, तो जो F1 की वैल्यू है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है QE। माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा, तो माइनस क्यू पे जो बल लगेगा वो अगर मैं F2 मान लूं, तो बच्चों F2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस QE। क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का QE। हमें पता है धनावेश पर बल क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेश पर बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये हम पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान दें आप, एक बल F1 QE लग रहा है, एक इधर माइनस QE लग रहा है, तो परिणामी बल कितना हुआ? बिल्कुल आपको पता लग रहा है कि सर अगर मैं F नेट निकालूं, F नेट का मतलब क्या हो गया कि सर F1 प्लस F2, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास आती है बच्चों, F1 की वैल्यू क्या है? प्लस QE, F2 की वैल्यू माइनस QE, यानी जो परिणामी बल है वो कितना आ गया? जीरो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर कोई बल, कोई वैद्युत बल आरोपित नहीं होता है। कोई वैद्युत बल आरोपित नहीं होता यानी द्विध्रुव रेखीय गति नहीं करेगा। कैसी गति नहीं करेगा? रेखीय गति, यानी ऐसे नहीं जाएगा, इस तरह ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे नहीं जाएगा, यहां आए यहां गया, इस तरह से द्विध्रुव रेखीय गति नहीं करेगा। लेकिन आप ध्यान से देखें, बल F1, इसकी क्रिया रेखा ये रही, बल F2, ये बल F2 की क्रिया रेखा है बच्चों। आप देख रहे हैं दोनों बलों का परिमाण तो समान है, लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखा समान नहीं है। ये क्या है? ये है F1 की क्रिया रेखा, जिस रेखा के अनुदिश फोर्स लग रहा है, क्रिया रेखा वर्किंग लाइन F1 की डायरेक्शन, ये F1 की क्रिया रेखा, और ये आपने खूब पढ़ा हुआ है, और ये क्या है बच्चों? F2 की क्रिया रेखा। F2 की क्रिया रेखा आप देख रहे हो कि दोनों बलों का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, लेकिन दोनों की क्रिया रेखा एक की इधर है और एक की इधर है, दोनों की क्रिया रेखा समान नहीं है। तो बच्चों इस स्थिति में ये दोनों बल मिलकर एक पेयर बनाते हैं, एक जोड़ा बनाते हैं, दोनों बल मिलकर एक बल युग्म की रचना करते हैं, जो इसको सरकाते तो नहीं है, घुमा देते हैं, जो इसको द्विध्रुव को घुमाने का क्या करते हैं बच्चों? प्रयास करते हैं। अगर ये द्विध्रुव हमारे पास है तो अब ये ऐसे नहीं जाता, ऐसे नहीं जाता, ऐसे नहीं जा रहा, ये रोटेट कर रहा है, यानी क्या बदल रहा है? थीटा बदल रहा है, यानी इस पर क्या लग रहा है? बलाघूर्ण लग रहा है। तो एक बात क्लियर हो गई कि अगर हमारा द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो बच्चों परिणामी बल का मान क्या हो जाता है? जीरो, लेकिन बलाघूर्ण लगता है, यानी द्विध्रुव की कोई रेखीय गति तो नहीं होती, घूर्णन गति होती है, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों बल मिलकर एक पेयर बनाएंगे, एक जोड़ा बना लेते हैं, एक टॉर्क, एक बलाघूर्ण का निर्माण करते हैं, जो इसको घुमाकर विद्युत क्षेत्र के क्या लिया था है? समांतर लाने का प्रयास करता है। तो उसको निकालें, उसके लिए एक फॉर्मूला आपको पता भी है, ये प्लस क्यू था, तो मैंने मान लो यहां से एक लंब डाला, इसको नाम दे दिया हमने ए, ये मान लो बी, ये क्या बोल दिया? एन। तो ये 90 डिग्री है, लंब डाला बी एन, ठीक है। और द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है बच्चों? 2a।
ये एंगल कितना है थीटा, ये सारे थीटा है विद्युत क्षेत्र के साथ, ठीक है। तो बच्चों अब जो बलाघूर्ण का मान है, बलाघूर्ण का मतलब क्या होता है, इसको मैं लिख दूं अगर थोड़ा हिंदी में कि सर बलाघूर्ण की डेफिनेशन क्या होती है, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में, रोटेशनल मोशन में। बलाघूर्ण का मतलब क्या होता है, अगर दो बल मिलकर बलाघूर्ण का निर्माण करें तो बलाघूर्ण का मतलब क्या होता है, किसी भी एक बल का परिमाण, किसी भी एक बल का परिमाण इनटू दोनों के मध्य या दोनों की क्रिया रेखाओं के मध्य, दोनों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, दोनों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। बलाघूर्ण का मतलब होता है अगर दो समान परिमाण के बल बलाघूर्ण का निर्माण कर रहे हैं तो उनमें से किसी एक का परिमाण ले लो और दोनों की क्रिया रेखाओं के मध्य, यानी ये क्रिया रेखा F1 की, ये क्रिया रेखा F2 की, तो ये लंबवत दूरी, समझ गए बच्चों, ये क्रिया रेखा हो गई तो ये क्या हो गई, लंबवत दूरी, समझ गए। तो लंबवत दूरी ये हमें लेना है, तो इसका मतलब बच्चों बलाघूर्ण हम शो करते हैं टाउ से टॉर्क, तो F1 या F2 का परिमाण ले ले, या तो F1 का परिमाण ले लो या F2 का परिमाण ले लो, इनटू क्रॉस नहीं है इनटू है गुणा मैथ वाला, लंबवत दूरी कितनी है बच्चों BN, लंबवत दूरी कितनी है BN, ये F1 की क्रिया रेखा ये F2 की क्रिया रेखा दोनों के मध्य लंबवत दूरी कितनी है बच्चों BN, तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ F1 और F2 एंड BN, तो tau इज इक्वल टू F1 कितना QE, F2 कितना QE, परिमाण रखना है किसी भी एक का तो QE इनटू, अब बच्चों BN का मतलब क्या होगा, आपको साफ दिख रहा है ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण यानी BN अपॉन AB क्या होता है, लंब बटा कर्ण क्या होगा साइन थीटा, तो यहां से BN इज इक्वल टू क्या आ जाता है AB साइन थीटा, तो BN इज इक्वल टू AB द्विध्रुव की लंबाई है तो AB का मान रख दिया 2A, तो 2A साइन थीटा, तो BN का मान हमारे पास आ गया 2A साइन थीटा, तो BN का मैं मान रख रहा हूं 2A साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा इसे अपन अरेंज कर ले, Q को मैं 2A के साथ लिख लू Q इंटू 2A एंड E साइन थीटा, ठीक है बच्चों 2A को मैंने Q के साथ ले लिया E साइन थीटा गुणा है सिंपल। अब हमें पता है Q इंटू 2A क्या होता है, बिल्कुल Q इंटू 2A कितना होता है P डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, तो टाओ बराबर कितना आ गया बच्चों PE साइन थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी हमारे इस द्विध्रुव पर इतना बलाघूर्ण लगता है टाओ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, P क्या है द्विध्रुव आघूर्ण माइनस क्यू से प्लस क्यू, E क्या है विद्युत क्षेत्र और थीटा इन दोनों के मध्य कोण, थीटा किसके मध्य कोण है P और E के बीच में, ठीक है बच्चों समझ गए। P ये रहा P माइनस से प्लस की ओर, ये विद्युत क्षेत्र हो गया दोनों के मध्य, आज जो एंगल बना है कितना बना है थीटा, तो टाउ बराबर आ गया PE साइन थीटा, इसको आपको याद भी रखना है, फॉर्मूला आपको सारे याद होने चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा, ठीक है। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखे अपन, यहां लिख रहा हूं मैं इसके बाद इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में, तो बच्चों सदिश रूप में टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं पी क्रॉस ई, इक्वेशन नंबर थर्ड, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, यानी टाउ की जो दिशा होगी द्विध्रुव पर जो बलाघूर्ण लग रहा है उसकी दिशा जो होगी वो किसके तल के लंबवत होगी
पी और ई के तल के लंबवत होगी। समझ गए बच्चों? कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये हो गया पी माइनस से प्लस की ओर, ये हो गया विद्युत क्षेत्र ई, ये हो गया पी। अब इनके तल के लंबवत क्या लगेगा? टाउ लगेगा। इन दोनों के एंगल कितना है? थीटा। तो टाउ की जो डायरेक्शन होती है, बलाघूर्ण की जो दिशा होती है, वो पी यानी द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र यानी ई के तल के लंबवत होती है। तल के लंबवत, ठीक है बच्चों? पी क्रॉस सी। अब बिल्कुल आपको पता है, अगर मैं आपसे कहूं देखो बच्चों, यदि थीटा बराबर जीरो हो, थीटा बराबर क्या हो? जीरो। अब थीटा जीरो का मतलब क्या होगा कि हमारा जो द्विध्रुव है वो थीटा जीरो कर दिया, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। थीटा जीरो होगा तो बच्चों बताओ टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। क्योंकि साइन जीरो का मान जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो कोई बलाघूर्ण नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित होता है तो उस समय उस पर बल तो जीरो है ही, बलाघूर्ण भी क्या होता है? जीरो। तो अगर आपसे पूछे कि वह स्थिति कौन सी है जब समरूप विद्युत क्षेत्र में बल के साथ साथ बलाघूर्ण भी शून्य होता है, तो आप कहोगे बच्चों कि सर द्विध्रुव की समांतर स्थिति, कि यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो, बिल्कुल समांतर रखा हो, तो उस पर बलाघूर्ण का मान भी क्या हो जाता है? जीरो, यानी कोई बलाघूर्ण नहीं लगता। ये केस फर्स्ट, ठीक है बच्चों? केस सेकंड ले, अब बल भी जीरो है, बलाघूर्ण भी जीरो है। तो आपने पढ़ा था साम्यावस्था, 11वीं क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, यदि किसी वस्तु पर बल भी जीरो हो, बलाघूर्ण भी जीरो हो, तो बच्चों इसे बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। क्या बोलते हैं? स्थायी साम्यावस्था। तो द्विध्रुव की ये वाली जो स्थिति है ये कहलाती है स्थायी साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था इसका मतलब यह है कि अगर आपने इस वाली अवस्था में थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करा द्विध्रुव को, थोड़ा सा भी विक्षेपित करा, तो द्विध्रुव तुरंत अपनी पूर्व अवस्था में, अपनी साम्यावस्था में, अपनी समांतर स्थिति में वापस लौट आता है। यानी अगर समांतर होगा तो बल भी जीरो, बलाघूर्ण भी जीरो। तो बच्चों इसे क्या बोलते हैं? स्थायी साम्यावस्था बोलते हैं। अब बच्चों अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, थीटा कितना हो? 180 डिग्री, यानी हमारा द्विध्रुव कैसा हो? विपरीत हो, थीटा अगर 180 डिग्री है, और थीटा 180 का मतलब क्या हुआ कि हमारा द्विध्रुव कैसे स्थित है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत स्थित है। तो साइन 180 का मान भी क्या होगा? जीरो। तो यहां से भी टाउ बराबर क्या आता है बच्चों? जीरो आता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, इसे बोलेंगे अस्थायी साम्यावस्था। पूछ लेते हैं बच्चों इसको, अस्थायी साम्यावस्था। बल भी जीरो है, बलाघूर्ण भी जीरो है, लेकिन अगर विपरीत दिशा में रखा हो, द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा हो, अब मैं बोल रहा हूं द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है या विपरीत रखा हुआ है, तो कहने का मतलब मैं द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहा हूं कि द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो स्थायी साम्यावस्था। द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है तो बच्चों इसे बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था। तो भाई सबसे ज्यादा बलाघूर्ण कब लगेगा? केस नंबर थर्ड, यदि बच्चों थीटा इज इक्वल टू क्या हो? 90 डिग्री हो, लंबवत रखा हो, ऐसे रखा हो, तो भाई सबसे ज्यादा बलाघूर्ण लगाना पड़ेगा, सबसे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। थीटा 90 हो तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 90, और साइन 90 होता है 1, यानी टाउ इज इक्वल टू पीई
और बेटा ये होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, पी टाउ मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर समांतर है टाउ 0 होगा, स्थायी साम्यावस्था। 180 डिग्री है, विपरीत दिशा में है, तो अस्थायी साम्यावस्था। और अगर लंबवत स्थिति है तो द्विध्रुव पर अधिकतम बलाघूर्ण लगता है, और उसका मान कितना होता है बच्चों, पीई। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ ही आपका चैप्टर फिनिश होता है, तो इसको आप देख लीजिए। हमारा द्विध्रुव था माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू पर भी फोर्स लगा, माइनस क्यू ही विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, प्लस क्यू पर फोर्स लगा, प्लस क्यू ही विद्युत क्षेत्र की दिशा में, परिणामी बल क्या हो जाता है, 0। ठीक है, लेकिन बलाघूर्ण लगता है कितना, ई साइन थीटा। किसी भी एक बल का परिमाण ले लो और दोनों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी लें, तो इसे सॉल्व करने पर हमें मान मिल जाता है पी साइन थीटा। ठीक है, ध्यान रखें इसको। तो इसी के साथ ही चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखो, कुछ तो मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, उस पर बेस्ड आप क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हो क्वेश्चन में। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो तो आप उसको कमेंट में लिखकर या उसके फोटो खींचकर भी मुझे भेज सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन देखे, देखो इसमें अपन देखो, क्वेश्चन आपसे ऐसा कह दें कि द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर मूल बिंदु से, बेटा मूल बिंदु का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर मूल बिंदु से एक्स दूरी पर, एक्स दूरी पर तथा निरक्ष रेखा पर, अक्षीय रेखा पर तो एक्स दूरी पर तथा निरक्ष रेखा पर वही मूल बिंदु से, निरक्ष रेखा पर मूल बिंदु से वाई दूरी पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय रेखा पर मूल बिंदु से एक्स दूरी पर, यानी मध्य बिंदु से एक्स दूरी पर, और निरक्ष रेखा पर वही मूल बिंदु से वाई दूरी पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो, तो एक्स अनुपात वाई का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो समझिए इसको बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्षीय रेखा पर तो एक्स दूरी है, यानी ये हमारा द्विध्रुव हो गया, यानी माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सब बेटा क्या हो गया, मूल बिंदु। तो अक्षीय रेखा पर तो एक्स दूरी है, यहां पर एक्स दूरी पर विद्युत क्षेत्र मान लो कितना ले लिया मैंने, E1, कितना मान लिया, E1, और ये वाई दूरी मान ली। ठीक है, ये तो अक्ष हो गया,
ये क्या हो गया निरक्ष। यहां पर विद्युत क्षेत्र मान लो कितना मान ले E2 इस वाले पॉइंट पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि E1 E2 के बराबर है, मूल बिंदु से x दूरी पर E1 है, मूल बिंदु से y दूरी पर E2 है। तो कह रहे हैं यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो तो x अपॉन y का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको पता है E अक्ष कितना होता है, E अक्ष का मतलब होता है बच्चों 2kp/r³। आर होती है मूल बिंदु से दूरी, मध्य बिंदु से दूरी, तो यहां पर आर की जगह मैं क्या मानूंगा एक्स। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन r=x, तो यहां बच्चों ई अक्ष की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो तो कितनी आ रही है 2kp/x³, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे बच्चों ई निरक्ष, अगर मैं ई निरक्ष की बात करूं तो ई निरक्ष का मतलब क्या होता है kp/r³। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है भाई कि भाई r का मान क्या है यहां पर y है। ठीक है, तो यहां पर ई निरक्ष इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kp/y³। इक्वेशन नंबर क्या होगी बच्चों ये 2। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मान समान है तो x अपॉन y का मान ज्ञात करो। ठीक है, दोनों का समान करें, प्रश्नानुसार e अक्ष बराबर आपको क्या दे रखा है e निरक्ष, ये क्वेश्चन में गिवन है e अक्ष बराबर e निरक्ष, तो इसकी वैल्यू रखें कि सर 2kp/x³ इज इक्वल टू kp/y³। ठीक है, तो अब देख रहे हैं kp से kp कैंसिल हो गए, तो हमें निकालना है x अपॉन y की वैल्यू। तो बच्चों x ऊपर ले जाओ तो x अपॉन y का क्या है होल क्यूब, तो x क्यूब अपॉन y क्यूब आएगा, बराबर क्या आ गया 2:1। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपको पता लग गया कि x अपॉन y का अनुपात कितना आ जाएगा कि 2 क्या हो जाएगा बच्चों घनमूल, क्योंकि 3 है ना पावर, क्यूब है तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो 2 की पावर 1/3/1 इसका रेशो आ गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3√2/1। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन है छोटा सा एक्स अपॉन वाई का मान का। तो बच्चों इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है आगे सब में। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन और, देखो एक क्वेश्चन ले अपन, यदि प्रोटॉन का मतलब 1H1 कॉमा ड्यूट्रॉन का मतलब 1S2, यदि प्रोटॉन 1H1 कॉमा ड्यूट्रॉन 1S2 एवं अल्फा कण
एवं अल्फा कण। अल्फा कण का मतलब क्या होता है? 2H2O, हीलियम का नाभिक। एवं अल्फा कण समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो इनके त्वरणों के अनुपात, यानी त्वरण का अनुपात बताना है, तो इनके त्वरणों के अनुपात लिखिए। ये क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है? बुक का आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण समान विद्युत क्षेत्र में है तो इनके त्वरण का अनुपात क्या होगा? तो देखिए बच्चों, आप पहली बात तो हमें मालूम है कि त्वरण बराबर क्या होता है, एफ अपॉन एम, ठीक है? एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, तो ए बराबर क्या हो गया, एफ अपॉन एम। अब यहां जो बल है वो वैद्युत बल है, क्योंकि तो हमें किस में रखा है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तीनों आवेशित कण है, तो अगर आप विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो वैद्युत बल ही लगेगा, और वैद्युत बल कितना होता है, क्यू ई अपॉन एम। ए बराबर क्या हो गया, क्यू ई अपॉन एम, ठीक है बच्चों? इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट। अब ई तो कॉमन है, ई तो क्या है, कॉमन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं, आते हैं ए प्रोटॉन, ए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का आवेश विद्युत क्षेत्र समान है प्रोटॉन का द्रव्यमान। इक्वेशन नंबर टू, ई तो समान है ना, क्योंकि ई आपको दिया हुआ है कैसा है, नियत, गिवन है, ई का मान कैसा है, नियत। ये मैंने ले लिया प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन और ये अल्फा कण। तो इसी प्रकार अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, ए डी, तो न्यूट्रॉन का आवेश विद्युत क्षेत्र समान है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऐसे अगर मैं अल्फा कण की बात करूं बच्चों, ए अल्फा, तो अल्फा कण का आवेश विद्युत क्षेत्र समान और ये अल्फा कण का द्रव्यमान। इक्वेशन नंबर फोर, तो हमें इनका अनुपात निकालना है, अतः अनुपात ले बच्चों इनका, एपी प्रोटॉन का त्वरण, एडी न्यूट्रॉन का त्वरण, और ए अल्फा यानी अल्फा कण का त्वरण। तो रखे मान दो कितना आएगा, एपी का मान कितना है, QP अपॉन एम पी इन टू ई, क्यू डी अपॉन एम डी इन टू ई, सबके मान रख रहे हैं। और ऐसे ही अल्फा कण के लिए Q अल्फा अपॉन एम अल्फा इन टू बच्चा क्या हो गया, E, ठीक है? अब देख रहे हैं E तो कैंसिल हो गया, E तो क्या हो गया, कैंसिल। अब देखें बच्चों, प्रोटॉन का मतलब होता है 1H1, प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, 1H1, यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन का जो आवेश हमने लिया है वो है QP, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना लिया है, MP। ये 1H1 की बात हो गई, क्लियर? अब न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन का मतलब होता है 1S2, न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, 1S2। तो आप देख रहे हैं 1 1, यानी इसका आवेश तो बराबर है, यानी जो न्यूट्रॉन का आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर है, है ना, 1 1 आवेश बराबर है। नहीं, द्रव्यमान कितना हो गया, दुगना, क्योंकि यहां बच्चों 1 है, यहां कितना है, 2। तो हम क्या लिखेंगे कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है ये 1 है 2, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का बच्चों कितना हो गया, 2 गुना हो गया, समझ गए? ऐसे अल्फा कण की बात करें तो अल्फा कण के लिए क्या होगा, अल्फा कण का मतलब होता है 2He4, इससे तुलना करो, सभी नाभिकों के आवेश द्रव्यमान प्रोटॉन से तुलना करके तो निकाले गए, तो 2He4, तो आवेश तो दुगना हो गया, यानी अल्फा कण का जो आवेश होगा डबल, देखो इसका 1 इसका 2, तो क्या हो गया, प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना, और ये 1 है और ये 4 है, यानी अल्फा कण का जो द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना हो जाएगा,
चार गुना। ठीक है बच्चों, तो बस हम इनका मान रख सकते हैं। तो रखे देखो, ये तो है ही हमारे पास QP अपॉन MP अनुपात। QD का मान QP, MD का मान सॉरी MD न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, MD का मान 2MP। ठीक है, रेशो Q अल्फा कितना 2QP और एम अल्फा कितना 4MP। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं QP अपॉन MP, QP अपॉन MP, QP अपॉन MP। तो क्या बचा हमारे पास, यहां लिख रहा हूं मैं, एक अनुपात एक बटा दो अनुपात एक बटा दो, दो दो ने चार हो गया ना, एक अनुपात एक बटा दो अनुपात एक बटा दो। तो आप चाहे तीनों को दो से गुणा कर दें इसको हटाने के लिए, तो क्या आएगा बच्चों, दो अनुपात एक अनुपात एक, ये आंसर हो गया। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें तो उनके जो त्वरण का अनुपात होता है वो दो अनुपात एक होता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन और अल्फा कण तो समान त्वरण से गतिशील है, जबकि प्रोटॉन वो दुगने त्वरण से गतिशील होगा। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन छोटा सा, देखो इसको। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, देख प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलाम, यानी 10 माइक्रोकूलाम और माइनस 10 माइक्रोकूलाम। ठीक है, प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है बच्चों, यानी द्विध्रुव बन गया, प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या कह रहा है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से साठ सेंटीमीटर की दूरी पर
अक्ष तथा निरक्ष पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष तथा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो मेरे पास 10 माइक्रो कूलाम के दो आवेश हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, और ये परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। और कह रहा है द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष और निरक्ष पर क्या ज्ञात करो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तो बच्चों बिल्कुल आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हमारे पास Q का मान कितना दे दिया, 10 माइक्रो कूलाम, यानी डाइपोल की बात हो रही है, Q 10 माइक्रो कूलाम है परिमाण, यानी 10 × 10⁻⁶ कूलाम, ठीक है, यानी कितना आ गया 10⁵ कूलाम, ठीक है। आवेश, आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये डाइपोल है बच्चों हमारे पास, यहां −10 माइक्रो कूलाम है, यहां +10 माइक्रो कूलाम है, और ये जो डिस्टेंस आपको दी हुई है जो हम 2a मानते हैं वो कितनी दी, 2 सेंटीमीटर, और ये जो r डिस्टेंस है अब यहां पर और यहां पर, ये r वो दे रखे आपको 60 सेंटीमीटर, क्लियर। तो जो दूरी का मान हमें दिया हुआ है, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी रख ले, 2a का मान कितना दे दिया 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻², क्लियर। और r दूरी जो है, r जो हमारे पास 60 सेंटीमीटर, यानी 60 × 10⁻², ठीक है, ऐसा ही मैं लेके चल रहे हैं, यानी कितना आ गया ये, यानी 6 × 10⁻², कितना हो गया −1 मीटर, ठीक है बच्चों। तो अब अक्ष और निरक्ष पर फॉर्मूला हमें पता ही है, तो बच्चों अक्ष पर क्या होता है विद्युत क्षेत्र, अक्ष पर क्या फॉर्मूला होता है, 2kp/r³, ठीक है, अक्ष पर क्या फॉर्मूला होता है, 2kp/r³, दो दो संख्या हमें मालूम है, k का मान भी हमें मालूम है, क्या p मालूम है क्या आपको, p दे रहा हुआ है, p तो नहीं दिया हुआ, तो p हमें निकालना पड़ेगा। तो बच्चों इसके ऐसे भी लिख सकते हैं, e अक्ष बराबर 2k, e का मतलब क्या हो गया q × 2a, ठीक है बच्चों, p का मतलब q × 2a/r³, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, p बराबर q × 2a, p बराबर क्या हो गया q × 2a। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ k, q एंड a एंड r, E अक्ष बराबर बताओ बच्चों 2 × a का मान कितना है 9 × 10⁹, Q का मान कितना है 10⁵, ठीक है, और 2a का मान कितना है 2 × 10⁻²। बच्चों r क्यूब यानी r का क्यूब यानी 6 × 6 × 6, इसका क्यूब करना है ना, 10⁻², कितना हो गया −3 हो गया बच्चों, ठीक है। जैसे अपन हल कर लें तो E अक्ष यानी अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होगा कितना होगा, तो आप देख रहे हैं 9 × 18 × 36, 6 × 36 कट गया, और ऊपर कितना बच गया 10⁻, 9 में से 5 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2, ठीक है बच्चों। पावर्स को आप अलग से सॉल्व कर लेंगे, गलती नहीं होगी, ये बच गया 6 और माइनस 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों +3, समझ गए, तो ये आ गया 10⁵/6, इसे हल कर लें आप, तो मैं इसे ऐसे लिख लूं 10⁶ × 10⁴, एक पावर ले ली भाग देने के लिए 10⁴, तो सॉल्व करें इसको कितना आ जाएगा 6 × 6 10⁶ हो गया ना, समझ गए, 10⁵ है, 4 × 5 10 को अलग रख लिया, तो 6 × 6 बचा 4, तो कितना आएगा बच्चों 6 × 36 फिर 4, तो 6 × 6 आप जानते हो, गुणा भाग करना, तो
तो 1.66 into 10 to power 4, और मात्रक जरूर लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके। तो ई अक्ष बराबर तो कितना विद्युत क्षेत्र आएगा, 1.66 into 10 raised to the power 4 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। अब बच्चों अक्ष पर तो ये आ गया, अब क्या निरक्ष पर भी ऐसे करना पड़ेगा पूरा, मैं लिखूं के पी अपॉन आर क्यू पूरा? नहीं, तो ये हमें पता है, हम सीख चुके हैं कि जो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है वो अक्ष का बच्चों क्या होता है, आधा होता है। तो हमें दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, या तो अक्ष में निकाल लो या निरक्ष में निकाल लो, ठीक है? तो हमने अक्ष में निकाल लिया, अब उसका क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई निरक्ष बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अक्ष का मान है 1.66 into 10 to power 4 अपॉन में क्या आ गया 2, क्लियर? तो इसका मान रखें ई निरक्ष, तो आपको पता कट रहा है ये 2 8 16 2 3 6 तो 0.83 into 10 to power 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चों, तो ये द्विध्रुव वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको, ठीक है बच्चों समझ लिया? तो ये कुछ क्वेश्चन हमने करे इसके, तो आप अपनी जो बोर्ड वाली बुक है उसको एक बार सॉल्व करें, ठीक है? जितने क्वेश्चन हो जाए वो करें, और जो नहीं होता उससे पूछिए। कंसेप्ट अपन काफी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, उस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है? तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो समान परिमाण किंतु विजातीय आवेश, दो समान परिमाण किंतु विजातीय आवेश, विजातीय मतलब क्या हो गया, विपरीत। दो समान परिमाण किंतु विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हुए, दो समान परिमाण किंतु विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है, ठीक है? इनके मध्य एफ न्यूटन, भाई दो आवेश है तो बल लग रहा है, इनके मध्य एफ न्यूटन का विजातीय है तो आकर्षण बल,
इनके मध्य एफ न्यूटन का आकर्षण बल क्रियारत है, ठीक है। दो आवेश हमारे पास है जिनका परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, कुछ दूरी पर स्थित है और इनके मध्य एफ न्यूटन का आकर्षण बल क्रियारत है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे कि यदि एक आवेश का 75% यदि एक आवेश का 75% एक आवेश का 75% मतलब उसमें कितना रह गया 25%, एक आवेश का 75% भाग दूसरे को स्थानांतरित कर दिया जाए एक आवेश का, मतलब दो आवेश हैं उनमें से एक का 75% भाग यानी उसका जो मान है भाग दूसरे को स्थानांतरित कर दिया जाए तो इस स्थिति में वैद्युत बल एफ का कितना गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन देखने में बड़ा है वैसे बड़ा नहीं है। तो कह रहे हैं दो समान परिमाण किंतु विजातीय आवेश यानी प्लस और माइनस, किंतु विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं और इनके मध्य एफ न्यूटन का बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, और यदि एक आवेश का 75% भाग दूसरे को दे दें तो भाई अब बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा पहले वाले बल की तुलना में। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो बच्चों, मैंने मान लिया, सपोज करो ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, ये बच्चों माइनस क्यू चार्ज है, क्लियर। और इनके मध्य कितना फोर्स लग रहा है एफ, इस वाली स्थिति में फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है। मैंने मानी दूरी कितनी है आर, दूरी कितनी है आर, तो एफ का मान कितना होगा कि परिमाण लेके चल रहा हूं क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन। पहले वाली स्थिति में देखो समान परिमाण है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, विपरीत प्रकृति है और मैंने दूरी क्या मान ली दोनों आवेशों के मध्य स्मॉल आर, तो फोर्स हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कूलम्ब के नियम से। अब क्या कह रहे हैं कि अगर प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि एक आवेश का 75% भाग यानी क्यू का 75% इसको दे दे तो नया बल क्या होगा, दूरी आ रही है, एक आवेश का 75% भाग स्थानांतरित कर दे क्योंकि तो आवेश का स्थानांतरण हो सकता है, यदि इसका 75% भाग, तो भाई अगर मैं मान लूं कि अब स्थानांतरण के बाद चार्ज हो गया Q1, ये चार्ज क्या हो गया Q2, Q1 और Q2 डिस्टेंस कितनी है r, तो इस समय मान लो फोर्स मैंने क्या मान लिया एफ डैश, तो एफ डैश का मान क्या हो गया के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो हमें क्यू वन क्यू टू की वैल्यू निकालते हैं। क्यू वन क्या कह रहे हैं कि भाई क्यू का 75% भाग इसको दे दिया तो इसका 75% भाग इसमें से कम हो जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्यू वन का मतलब क्या हुआ कि क्यू में से हमने इसका 75% भाग स्थानांतरित कर दिया, ये तो है, पहले Q था, अब Q में से जब इसका Q का 75% भाग हम देंगे तो अब शेष आवेश ये बचेगा, ठीक है। और Q2 कितना था पहले माइनस क्यू, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, आवेशों का योग सदिशों के हिसाब से नहीं करते हैं बीजगणित के हिसाब से करते हैं, तो पहले माइनस क्यू था, अब इसका 75% भाग इसका आ रहा है प्लस, तो Q का कितना परसेंट आ गया 75% भाग इसको मिल गया, क्लियर।
तो बेटा कितना हो गया, 25 या 75, 25 चौका 100, यानी 3/4। क्लियर। तो यहां से Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q-3Q/4, Q-3Q/4। ठीक है बच्चों, तो Q1 = Q/4 बन जाएगा। पता ही है आपको भाई, 75% जाएगा, 25% तो बचेगा। तो ये तो समझने के लिए हमने करके देख लिया, तो 4Q-3Q, Q/4। ठीक है, अब इसे देखें, Q2 तो -Q प्लस कितना आ गया, 3Q/4। -Q प्लस 3Q/4, तो बच्चों यहां कितना बचेगा, ये बच्चा बनेगा -4Q प्लस 3Q/4। तो यहां से Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4Q प्लस 3Q, तो बच्चों बन गया -Q/4। तो ये नए चार्ज ये हो गए भाई, Q/4 और Q/4, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एफ डैश में रख के देखें, इसलिए F'=K। परिमाण लेके चल रहे हैं, Q1 कितना, Q/4, Q2 कितना, Q/4, परिमाण लेके चल रहे हैं, और दूरी तो आ रही है, तो R2। तो बच्चों कितना आ गया, F'=KQ2, 4×16, 16R2। और KQ2/R किसकी वैल्यू है, F की वैल्यू है। तो F डैश का मतलब हो गया कि F/16। ठीक है बच्चों, यानी अब जो बल होगा वो पहले वाले बल से 16 गुना कम हो जाएगा। समझ गए, पहले वाले बल से कितना गुना कम हो गया, 16 गुना। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे आप और क्वेश्चन करें, जो नहीं है उससे पूछें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक दूसरे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।